बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबले की रेस कैसे हुई दिलचस्प। सुपर ट्यूसडे के चुनावी मुकाबले में जो बाइडेन का धमाकेदार कमबैक, 14 में से 9 राज्यों में चला जादू, लेकिन कैलिफोर्निया के सबसे अहम किले पर बर्नी सैंडर्स की पकड़ मजबूत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दिलचस्प मुकाबले की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस के कहर से गिर रही है एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था। चीन में कुछ लोगों को काम पर वापस भेजने की तैयारी। दक्षिण कोरिया में आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान। इटली ने स्कूल कॉलेज बंद करने की तैयारी की, तो जापान में ओलंपिक टालने पर विचार। भारत कितना है तैयार? उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत 7 लोग दोषी करार, 4 अभियुक्त बरी। दिल्ली में हुई हिंसा के एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने किया उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा, हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। शांति समझौते के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने तालिबान लड़ाकों पर किया हवाई हमला। इससे पहले तालिबान ने पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को बनाया था निशाना। अगले साल की शुरुआत में एक बार फिर चांद पर पहुंचने की तैयारी। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लेकर सरकार ने संसद में दी जानकारी, कहा चंद्रयान 2 से सबक लेकर की गई है पूरी तैयारी। इनमें से कुछ की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे, पर कौन होगा वो उम्मीदवार जो उनके मुकाबले में उतरेगा? कवर स्टोरी में बताएंगे कि कैसे व्हाइट हाउस की रेस अचानक बेहद रोमांचक हो गई है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह सुपर ट्यूसडे यानी कल के मुकाबले पर थी। सुपर ट्यूसडे को 14 राज्यों में वोटिंग हुई, ये तय करने के लिए कि रिपब्लिकन ट्रंप को विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी से कौन टक्कर देगा। ये चुनाव प्राइमरीज कहे जाते हैं। अभी तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों में बर्नी सैंडर्स आगे चल रहे थे, लेकिन कल हुई वोटिंग के बाद अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन्हें तगड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए राज्यों में डेलीगेट्स के वोटिंग के जरिए दावेदारों को बहुमत हासिल करना पड़ता है, और इसी बहुमत के आधार पर जुलाई में डेमोक्रेटिक पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। जो बाइडेन ने सुपर ट्यूसडे को 14 में से 9 राज्यों में जीत दर्ज की। टेक्सास अमरीका का दूसरा बड़ा राज्य है जिसमें बाइडेन बॉस साबित हुए, लेकिन सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में हवा बही बर्नी सैंडर्स के हक में। अपने गृह राज्य वारमोंट समेत 3 और राज्यों में वो आगे रहे। पर राष्ट्रपति चुनाव में अचानक हीरो बने जो बाइडेन के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। शुरुआती प्राइमरी में जो बाइडेन कुछ खास नहीं कर पाए और लगा कि उनका खेल खत्म हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले साउथ कैरोलिना में जीत के साथ बाइडेन ने संकेत दिया कि उनकी पिक्चर अभी बाकी है। लॉस एंजलिस में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। We want a nominee who will beat Donald Trump. हम डोनाल्ड ट्रंप को हराना चाहते हैं और नैंसी पेलोसी को स्पीकर बनाए रखना चाहते हैं। हम अमेरिकी सीनेट में मजबूत वापसी चाहते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। अगर आप एक डेमोक्रेट उम्मीदवार चाहते हैं जो ताउम्र डेमोक्रेट रहा हो, प्राउड डेमोक्रेट, ओबामा बाइडेन जैसा डेमोक्रेट। मंगलवार को कहानी का रुख कुछ बदला, लेकिन बर्नी सैंडर्स का भरोसा अभी भी बरकरार है। जब हमने राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस शुरू की तब हर किसी ने कहा ये हासिल नहीं हो सकता, लेकिन आज रात मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता सकता हूं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने जा रहे हैं और हम इस देश के इतिहास के सबसे खतरनाक राष्ट्रपति को हराने जा रहे हैं। पर इन दोनों के अलावा भी कुछ उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की रेस में, पर वो कहाँ हैं?
किसी वक्त रेस में आगे मानी जा रहे सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन को अपने गृह राज्य मैसाचुसेट्स में जो बाइडेन से करारी शिकस्त मिली। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग अपनी जेब से 50 करोड़ डॉलर खर्च कर चुके हैं, लेकिन वो किसी राज्य में जीत हासिल नहीं कर सके और अब उन्होंने रेस से खुद को ही अलग कर लिया है। सुपर ट्यूजडे की वोटिंग के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। I voted for Biden because he now has the momentum. आज के दिनों में कंप्लेन करने की वजह से इंस्टेड ऑफ दैट वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हर लेवल में, लोकल में, प्राइमरीज में और फाइनल इलेक्शंस में। आई वोटेड फॉर द इश्यूज दैट मैटर्स टू मी मोस्ट इज टू पुट डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक। आई वोटेड फॉर माइकल ब्लूमबर्ग बिकॉज़ आई थिंक ही इज द ओनली कैंडिडेट दैट कैन एक्चुअली बीट ट्रंप। तो बर्नी सैंडर्स हो या पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, इनमें कुछ कुछ एक जैसा है तो बहुत कुछ अलग भी है, और जो बात अलग है उसी से तय होगा कि दोनों में कौन देगा डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर। सुपर ट्यूजडे के बाद रेस में दो तगड़े दावेदार हैं, दोनों एक ही शख्स को टक्कर देना चाहते हैं। ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप, the most dangerous president in the history of this country. He's insulted, demonized, not the way you were raised by your moms and dads. दोनों के बीच एक और मुद्दे पर सहमति है, वो ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कौन से वोटर मायने रखते हैं। Black, white, Latino, Native American, Asian American, gay and straight. Everybody, regardless of their race, their ethnicity, whether their gender, their disability, their economics, Democrats, Republicans, Independents, every stripe. लेकिन एक मुद्दे पर वो एक राय नहीं रखते, ट्रंप को कैसे हराया जाए। You cannot beat Trump with the same old kind of politics. And you want a nominee who's a Democrat, a lifelong Democrat, a proud Democrat, an Obama-Biden Democrat. What we need is a new politics. This all starts with a revival of decency and honor and character. Thank you all very much. So get back up and take back this country. Let's go on to the White House. Thank you. तो इस इंटरेस्टिंग रेस के बारे में बताने के लिए वाशिंगटन से खुद जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, बाइडेन की उम्मीदें कितनी मजबूत हुई हैं और सैंडर्स को कितना बड़ा झटका लगा? देखिए, ये इतना बड़ा टर्न अराउंड शायद ही अमेरिकन इलेक्शन इतिहास में लोग कह रहे हैं हुआ हो। कुछ वक्त पहले तक बर्नी सैंडर्स के बारे में कहा जा रहा था वो अनस्टॉपेबल है, सुनामी है, कौन रोकेगा उन्हें। जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि अब ये कब अपना कैंपेन बंद करेंगे, कब जो है जो लिस्ट ऑफ नॉमिनीज हैं उनको सॉलिडिफाई करेंगे, लेकिन जो टर्न अराउंड हुआ है ट्यूजडे, सुपर ट्यूजडे के बाद, अब बिल्कुल पासा पलट गया है। अब बर्नी सैंडर्स जो अभी तक जो आए हैं वो डेलीगेट काउंट में वो पीछे चल रहे हैं, जो बाइडेन अभी तक आगे चल रहे हैं, लेकिन फाइनल फिगर अभी नहीं आया है और दो ही अल्टीमेट ये रह गए हैं। प्लस सभी की निगाहें एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ है कि क्या वो अपना कैंपेन सस्पेंड करेंगी। जी विनीत, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऑप्शन दिया जाए दोनों में से एक को चुनने के लिए, मुकाबले के लिए, वो किसे पसंद करेंगे? सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे इस बारे में कोई भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआत से ही वो जो बाइडेन उनके बेटे हंटर बाइडेन के जिस तरह के ट्वीट करते रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं, यूक्रेन का पूरा मामला है उसको जिस तरह से पैशनेटली उन्होंने परसू किया है, तो कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को एक सस्पेक्ट है। जिस तरह से बर्नी सैंडर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले कुछ वक्त में, तो वो भी ये भी कह रहे थे कि बर्नी सैंडर्स को लेकर कॉन्स्पिरेसी है, डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि बर्नी सैंडर्स आगे जाएं। तो एक तरह की सोच यहाँ है कि जो बाइडेन को लेकर वो ज्यादा खतरा महसूस करते हैं आगे जाने पर, और जिस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन वोट बड़ी संख्या में मिले हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जी, बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कौन मुकाबले में असल में उतरेगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ये तो कुछ महीनों में पता चलेगा, और एक ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए भारत कितना है तैयार। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। तो जो खतरा अब तक दूर चीन या जापान में नजर आ रहा था वो अब भारत तक भी पहुंच गया है। पर सरकार कह रही है कि डरने की अभी कोई जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में है। केरल, तेलंगाना, जयपुर और दिल्ली समेत अब तक भारत में कोरोना वायरस के 29 मामले आ चुके हैं और इन सबको निगरानी में रखा गया है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और नेपाल से सटी सीमा पर भी लोगों की जांच की जा रही है। सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन से आने वाली सभी यात्रियों की जांच फिलहाल की जा रही है। कोरोना वायरस की जांच के लिए भारत में 15 लैब्स मौजूद हैं और इनमें 19 लैब्स और जल्द ही जोड़ दिए जाएंगे। पर दुनिया भर में इस वायरस की वजह से अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर तो चीन के ही हैं। पर दूसरे प्रभावित देशों में ये वायरस कैसे मुश्किलें बढ़ा रहा है और इससे निपटा कैसे जा सकता है, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी से बीजिंग के लोग खुश हैं, लेकिन अभी चैन की सांस लेने का वक्त नहीं है। सुपरमार्केट जाने पर तापमान चेक किया जा रहा है और कोई भी लापरवाही ना बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस अब न्यूयॉर्क पहुंच गया है। हर 72 घंटों में सफाई कर्मी सबवे स्टेशन, हाथ की रेलिंग, एंट्री के गेट और कार्ड की मशीनों की सफाई करते रहेंगे। वो कहते हैं कि यात्रियों को ब्लीच की गंध की आदत डाल लेनी चाहिए। दक्षिण कोरिया में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सड़कों पर उतरने वाले कर्मचारी कीटनाशक से लैस हैं। ये संघर्ष अभी लंबा चलेगा क्योंकि इलाज के जरूरतमंद हजारों लोग अभी अपने घरों में कैद हैं। डेगू में करीब 2300 मरीज अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों में बंद मरीजों की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं ईरान में मरीजों की संख्या फिर बढ़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। अब तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने देश भर के अस्पतालों को तमाम सुविधाओं और संसाधनों के साथ तैयार किया है, पर सच्चाई ये है कि हमें एक मुश्किल हफ्ते का सामना करना होगा। दुनिया भर में सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जो हालात और बिगड़ने के मद्देनजर चीजें इकट्ठा करने में जुटे हैं। जानकारों ने यह कहते हुए लोगों से शांत रहने की अपील की है कि हर थोड़े वक्त के बाद हाथ धोते रहे। कोरोना वायरस की वजह से कई एशियाई देशों में जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है और जापान की मुश्किल तो और भी बड़ी है, क्योंकि वहां जुलाई के महीने में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, यानी ओलंपिक, जिसके लिए दुनिया भर से लोग वहां आएंगे। अब इस आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। टोक्यो में ओलंपिक की तैयारी जोर शोर से चल रही है, पर हालात ये है कि स्कूल बंद हैं, कई कार्यक्रमों को टाल दिया गया है, क्योंकि खेलों की तैयारी के साथ जापान इस वक्त कोविड-19 वायरस से भी निपटने की तैयारी में जुटा है। पहले ही जापान पर आरोप लग चुके हैं कि वहां डायमंड प्रिंसेस क्रूज पर वायरस को फैलने से ठीक से रोका नहीं गया, 6 लोगों की मौत भी हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जापान में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जितनी बताई गई है उससे ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मसातोशी भी उनमें से एक है जो दिसंबर के महीने में चीन गए थे और उनमें वायरस के लक्षण भी थे, पर टेस्ट नहीं कराया था। अगर मुझमें वायरस होता तो मेरे परिवार और आसपास के लोगों को दिक्कत होती। मैं चाहता था कि जल्द इसका पता चल जाए। चिंता भी होती थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। जापान के उत्तरी हिस्से में बर्फीली ठंड के साथ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। होक्काइडो में सबसे ज्यादा 80 लोग इसकी चपेट में हैं, पर अधिकारी भी मान रहे हैं कि इनकी तादाद 1000 तक हो सकती है। यहाँ के एक डॉक्टर का भी मानना है कि जापान में कोरोना वायरस के मरीजों की आधिकारिक संख्या 250 बताना सही नहीं है। यहाँ मरीजों की संख्या दसियों हजार हो सकती है। जापान में 5 महीने बाद ही ओलंपिक खेल होने वाले हैं, इसलिए जापान सरकार को पता है कि उस पर दुनिया की निगाह है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिन 4 देशों में कोरोना वायरस को लेकर फिक्र जताई है उनमें से जापान भी एक है। समस्या बड़ी है, मुकाबले में वक्त लगेगा। और एक ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट में लड़कों के दबदबे को कैसे चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं लड़कियां। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
भारत की महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप में धमाल कर रही है और कल इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। लेकिन क्या भारत में महिला क्रिकेट का वही सम्मान है जो पुरुषों के क्रिकेट को मिलता है? शायद नहीं। लेकिन हरियाणा के एक स्कूल में क्रिकेट सीख रही लड़कियां लोगों की सोच बदलना चाहती हैं। बीबीसी संवाददाता देवेना गुप्ता की रिपोर्ट। भारत में क्रिकेट एक जुनून की तरह है। लाखों करोड़ों लोग इसे खेलते और देखते हैं। यहाँ पुरुष क्रिकेट बेहद मशहूर है, लेकिन महिला क्रिकेट आज भी उतना लोकप्रिय नहीं। एक कोचिंग एकेडमी लड़कियों की ट्रेनिंग से इसे बदलने का प्रयास कर रही है। 15 साल की रब्बानी एक प्रोफेशनल बॉलर बनना चाहती हैं, लेकिन हरियाणा के उनके शहर में कोई महिला क्रिकेट टीम नहीं है। वो यहाँ लड़कों के साथ खेलती हैं। एक बार एक मैच में मैंने हमारी एकेडमी के बहुत ही अच्छे प्लेयर को आउट कर दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सब उसे चिढ़ाने लगे क्योंकि वो एक लड़की से आउट हो गया था। मुझे ये बहुत अजीब लगा। हमें एक ही खेल में लड़के या लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। नायशा भी यहाँ 2 सालों से ट्रेनिंग ले रही हैं। वो अपनी आइडल की तरह ही प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहती हैं। आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। मैं भविष्य में एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी एलिस पैरी मेरी आइडल हैं। वो भी एक ऑलराउंडर हैं और मैं भी। लेकिन ये अगर आज प्रोफेशनली खेलना चाहें तो कई तरह की असमानताएं हैं। नेशनल टीम के बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी को उसके ही जैसी महिला खिलाड़ी के मुकाबले 14 गुना ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन नायशा की माँ को लगता है कि चीजें बदल रही हैं। अभी और एकेडमी खुलनी चाहिए और सरकार को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप देकर लड़कियों का समर्थन करना चाहिए। इन लड़कियों को उम्मीद है कि इनकी मेहनत और लगन भविष्य में लड़कियों के लिए क्रिकेट की राह आसान करेगी। और कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए बड़ी चिंता बन गया है। हमारे कार्टूनिस्ट कृतिश इसका हल कुछ इस तरह देखते हैं। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए मुझे ट्वीट करें @BBCSarika पर। तो आज के लिए बस इतना है।